Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 7th December 2023. Please note we can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. First article is about Mahapari Nirvan Devas. This topic is important from our syllabus GS paper 1 Indian society point of view, especially with respect to caste system. और पॉलिटिकल साइंस ऑप्शन स्टूडेंट्स के लिए भी ये आर्टिकल हेल्पफुल है तो सबसे पहले समझेंगे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब के बारे में थोड़ी सी बेसिक हिस्ट्री जानेंगे जो आप ऑलरेडी अपने क्लासेस में बेसिक क्लासेस में पढ़ते ही हैं क्योंकि ये महापरिनिर्वाण दिवस इज एसोसिएटेड विद डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ऑनली आप सबको पता है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वॉज ए स्ट्रॉन्ग क्रिटिक ऑफ ब्राह्मिकल कल्चर हिंदुइज्म उनका मानना था कि हिंदुआइम के अंदर सिर्फ uh, लोअर कास्ट या लोअर कम्युनिटी के लोगों का एक्सप्लोइटेशन uh, होता रहेगा देर वॉन्ट बी एनी इक्वल स्पेस फॉर पीपल कमिंग फ्राम सो कॉल्ड लोअर कास्ट तो इसी कारण से ही वॉन्टेड हिंदुइजम टू बी कम्प्लीटली डिसमेंटल्ड से मनुस्मृति ऑन डायनाइट एंड ब्लास्ट एट दिस सॉर्ट ऑफ आइडियाज ही वुड सजेस्ट बिकॉज ही बिलीव यज हिंदुइज्म इज देयर

वर्ना सिस्टम और कास्ट सिस्टम के बीच में डिस्टिंगशन किया है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन उन्होंने कहा कि देखिए वर्ना सिस्टम इज गुड दैट इज पार्ट ऑफ हिंदू ट्रेडिशन जहां पे अलग अलग लोग ऑन द बेसिस ऑफ द फैमिली और द कम्युनिटी इन विच दे आर बोर्न उसके बेसिस पे अपना प्रोफेशन चुनते हैं उससे कैसा रहता है कि स्किल एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होता है प्रिजर्व रहता है और एक्सेसिव कट थ्रोट कॉम्पिटिशन भी समाज में अवॉइड होता है लेकिन हाँ जब हम लोग आ, काम के बेसिस पे क्रिटिसिज्म करना शुरू कर देते हैं या डिस्क्रिमिनेशन करना शुरू कर देते हैं सो not criticism, करना शुरू कर देते हैं कि अच्छा ये तो छोटा काम है ये बड़ा काम है तो देन वर्ना सिस्टम डी जेनरेट्स इन टू कास्ट सिस्टम तो सो कॉल्ड पीपल एक्टिविटीज उनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन होता रहता है तो वैसे लोगों को उनके अंदर के कॉन्फिडेंस को एम्बोल्डन करने के लिए महात्मा गांधी जी ने आइडिया दिया कि वी मस्ट कॉल सच पीपल हरिजन मानुअल्स केवेंजर्स मस्ट बी कॉल्ड हरिजन लेकिन इस हरिजन के आइडिया के बिल्कुल अगेंस्ट थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब उन्होंने कहा कि सर आप हरिजन कहो जो कहना कहो बट बाई गिविंग देम सेपरेट नेम ना बी नाउ यू हैव परमानेंटली ब्रांडेड देम एंड नाउ दिस विल फर्दर स्ट्रेंथन डिस्क्रिमिनेशन एंड डिवीजन इन द सोसाइटी Only way to end caste system and caste based discrimination is to end this division itself rather than branding them separately. Doctor, that is why Dr. B. R. Ambedkar was a strong supporter of the idea of inter caste marriages, inter dining, in order to completely dismantle the caste system. That is why once he said this quote, uh, in annihilation of caste, he said, "I am convinced that the real remedy is intermarriage. Caste would be completely in, uh, annihilated." Doctor B. R. Ambedkar, over a period of time, gave up on his uh, hopes to reform Hinduism, and that is why he uh, found solace in Buddhism. He accepted Buddhism spiritually. He, because believed that Buddhism provides space for equality, and for that reason. On 14th October 1956, he he along with his half a million of followers embraced Buddhism Buddhism at Nagpur. He started के साथ कुछ नए ट्रेंड स्टार्ट किए विच वुड बी नोन एज न्यू बुद्धिज्म न्यू बुद्धिज्म आफ्टर अडोप्टिंग बुद्धिज्म बी आर अंबेडकर लॉन्च न्यू बुद्धिज्म इन 1956 जहां पे उन्होंने काफी सारे अपने बाकी फॉलोअर्स को जिनको अनटचेबल्स बोल करके जिनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन होता रहा, क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं डॉक्टर बी आर अंबेडकर साहब के बारे में चौदह अक्टूबर को उन्होंने बुद्धिज्म को अडॉप्ट किया था बुद्धिज्म के अंदर आपको पता है

नॉट इूट तो ये सब बुद्धिज्म की फिलोसफी है उसके बारे में कभी और चर्चा करेंगे तो निर्वाण तो लाइफ में रहते हुए ही, but once a person dies, करने के जब आपकी मृत्यु होती है बुद्धिज्म में तो बुद्धिज्म के हिसाब से देन यू अटेन महापरिर्वाण वे where यू कंप्लीटली ब्रेक ऑफ फ्रॉम द साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ तो बुद्धिज्म को अडॉप्ट किया अंबेडकर साहब ने थ अक्टूबर 1956 को बाद में ऑन सिक्स तो माना जाता है छह दिसंबर यानी कि दिन महापरिनिर्वाण दिवस ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर डेथ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर तो परिनिर्वाण कैन बी ट्रांसलेटेड एज निर्वाण आफ्टर डेथ तो डॉक्टर अंबेडकर अम्बेदकर ब्रेद लास्ट ऑन सिक्स दिसंबर 1956 तो कुछ दिन ही जिए उन्होंने लेकिन ही फुलफिल्ड हिज कमिटमेंट दैट ही के लिए जिए लेकिन करने के बाद बट ही कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म अभी डॉक्टर बी आर अंबेडकर साहब को काफी बार मार्क्स से कंपेयर किया जाता है यू नो मार्क्स ऑल्सो हैड गिवन सच आईडिया रिलीजन इज ओपियम ऑफ ऑफ पीपल

सो द डिफरेंस इज ऑल अबाउट मीन्स द एंड इज कॉमन टू बोथ दिस इज वॉट यू कैन राइट इन कंक्लूजन मार्क्सिज्म और गांधीज्म से रिलेटेड यूपीए सी ने प्रश्न पूछा था इस तरह के सवाल पॉलिटी में काफ़ी आते हैं कॉन्सेप्चुअल रिलेटेड रिलिम्स में खासकर तो ये प्रश्न पूछा था प्लीज रिम दिस क्वेश्चन गांधी कैन ऑल्सो भी कंसिडर्ड ए सोशलिस्ट लाइक मार्क्स एंड जस्ट लाइक बुद्धा एंड मार्क्स दोनों की जैसे एंड सेम थी

तो मेडिकल एजुकेशन की पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स या मेडिकल को प्रैक्टिस करने वाले लोगों के लिए क्या बेसिक स्टैंडर्ड होने चाहिए हेल्थ केयर में वो डाउन करता है एनएमसी कैसे डिलीवरी हो क्वालिटी मेडिकल एजुकेशन एजुकेशन की वो सबके स्टैंडर्ड्स डाउन करता है नेशनल मेडिकल कमीशन अभी हुआ क्या हाल फिलहाल में नेशनल मेडिकल कमीशन ने अपना एक नया लोगो रिलीज किया इस तरीके का कुछ उसमें दो मेजर बदलाव किए गए हैं सेंटर में लॉर्ड धनवंतरी का इमेज डाला गया है और यहां पे इंडिया की जगह पे भारत लिखा गया नेशनल मेडिकल कमीशन भारत ये दो मेन बदलाव किए गए हैं नेशनल मेडिकल कमीशन के इस नए लोगों के बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के तरफ से क्रिटिसिजम आया है इस नए लोगों का इंडियन मेडिकल एसोसिएशन इज बेसिकली ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स इट्स अ काइंड ऑफ सिविल सोसाइटी ऑफ डॉक्टर्स उन्होंने कहा है कि ये जो नया लोगो है नेशनल मेडिकल कमीशन का दैट इज नॉट राइट इसमें कुछ खराबियां हैं ठीक है इसके पहले कि हम देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम लग रही है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को विथ दिस लोगो उसको देखने से पहले जरा देख लेते हैं लॉर्ड धनवंतरी के बारे में जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा लॉर्ड धनवंतरी इज कंसिडर्ड एज गॉड ऑफ आयुर्वेदा एंड मेडिसिन इन हिंदू रिलीजन हिंदू ट्रेडिशन अब जरा समझते हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर्स क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो डॉक्टर्स का कहना है कि सर आप ऐसे किसी एक पर्टिकुलर धर्म अब लॉर्ड धनवंतरी तो हिंदुइज्म में माने जाते हैं ना एक पर्टिकुलर धर्म के देवी देवता का आप लोगों लगा करके आप गलत मैसेज दे रहे हैं डॉक्टर्स को ओथ दिलाई जाती है कि वह हर एक धर्म कास्ट कम्युनिटी के लोगों का बिल्कुल निस्वार्थ भावना से बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के सेम तरीके से उनकी सेवा करें बट यहां पे आप एक पर्टिकुलर धर्म के भगवान का ऐसे फोटो लगा करके इमेज दे करके यू आर नाउ फोर्सिंग द डॉक्टर्स टू इम्प्लिसिटली डेविएट फ्रॉम देयर ओथ तो ये है आईएमए और उनके जो मेंबर्स हैं डॉक्टर्स उनका क्रिटिसिजम न्यू लोगो लेकिन अगर देखा जाए एन एम की तरफ से भी फिर जवाब आया है एनएमसी ने कहा है कि सर देखो पहले से भी जो लोगो था ना उसमें भी लॉर्ड धनवंतरी थे ही बट लोगो में लॉर्ड धनवंतरी का बस एक डार्क सा ऐसा प्रोजेक्शन दिया गया था दो ही तो अंतर किए गए यहाँ पे जो इमेज लाया गया वो लॉर्ड धनवंतरी का ही था पहले भी ओल्ड लोगों में भी यहाँ इंडिया लिखा गया तो इंडिया की जगह पे भारत लिखा गया तो भारत तो हमारा देश का नाम है ही हमारा आर्टिकल कहता ही आर्टिकल वन इंडिया दट इज भारत तो बोथ पे लॉर्ड धनवंतरी का इमेज ऑलरेडी था नाउ इट हैज बिन मेड क्लियर बट मजे की बात यह है ये, ये लोगो भी बस लास्ट ईयर ही अडोप्ट किया गया था दो हजार बाईस में तो देर वॉज सम इमेज ऑफ लॉर्ड धनवंतरी नॉट एज क्लियर एज इट इज नाउ अभी जो कह रहे हैं कि ये चेंज जो किया गया है बदलाव किया गया ठीक किया गया ऐसा ही होना चाहिए कुछ डॉक्टर सपोर्ट में भी हैं आईएमए ओवरऑल अपोज कर रहा है कुछ डॉक्टर सपोर्ट में भी हैं उनका कहना है कि अगर डॉक्टर्स ये कडोसियस का लोगो इस्तेमाल कर सकते हैं कडुसियस का लोगो आपने देखा होगा डॉक्टर्स के क्लिनिक वगैरह में लगा रहता है दिस इज अडूसियस जहाँ पे एक स्टाफ ऐसा बीच में रहता है और उसके अराउंड दो सरपेंट रहते हैं दिस इज अ ग्रीक इमेज कमिंग फ्रॉम ग्रीक माइथोलॉजी सो इफ दिस कैन बी एडॉप्टेड एज अ साइन और अ लोगो बाई डॉक्टर्स वाई कैन नॉट साइन और लोगो फ्रॉम इंडियन माइथोलॉजी कैन बी अडॉप्टेड इफ ग्रीक माइथोलॉजी कैन अडॉप्टेड अडोप्टेड वाई नॉट हिंदू माइथोलॉजी कैन बी अडॉप्टेड ये सब कुछ क्रिटिसिजम काउंटर आर्ग्यूमेंट चल रहे हैं बट इसी टॉपिक के मदद से हम लोग जरा आज एक क्वेश्चन करेंगे ऑन मेडिकल एथिक्स हम मैंने आपको क्लास में पढ़ाया है फोर डायमेंशन ऑफ एथिक्स वहां पर मैंने आपको प्रोफेशनल एथिक्स के बारे में बताया है सो मेडिकल एथिक्स इज वन ऑफ द प्रोफेशनल एथिक्स इससे रिलेटेड मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दिया है इफ नीडेड रीड द हिंड ऑल्सो अटेंड दिस क्वेश्चन

अगर हिस्ट्री देखी जाए तो मिलेट इज कंसिडर्ड अमंग्स वन ऑफ द फर्स्ट क्रॉप टू बी डोमेस्टिकेटेड इज एविडेंस फॉर ऑफ मिलेट इंडस वैली पीपल एंड अराउंड द वर्ल्ड इट वॉज फर्स्ट कल्टीवेटेड इन इंडिया ये सब कुछ हिस्टोरिकल बातें ऐसे क्लेम्स हैं मिलेट्स की अगर बात की जाए तो मिलेट को कहा जाता है सुपर फूड बिकॉज ऑफ इट्स सो मेनी बेनिफिट्स यू सी इट इज इन्वायरमेंटली फ्रेंडली एस वेल

क्लाइमेटिक कंडीशंस तो इट रिक्वायर्स खारीफ इट्स अ काइंड ऑफ खारीफ क्रॉप तो वही गर्मी के दिनों का टाइम है इसका शॉर्ट ग्रोइंग सीजन ही है इसीलिए फार्मर्स के लिए इकोनॉमिकली फ्रेंडली है काफ़ी कम समय में ही पक जाता है इसका क्रॉप सेवेंटी टू हंड्रेड डेज एज अगेंस्ट हंड्रेड ट्वेंटी टू वन फिफ्टी डेज फॉर फैट फैट वीट वाटर रिक्वायरमेंट भी कम है तो मानसून जहाँ पे कम होती है बारिश कम होती है मानसून फेलियर का भी कोई बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं है क्योंकि पानी के रिक्वायरमेंट ही कम है एंड कैन इवन ग्रो इन पुअर सॉइल पुअर सॉइल इन इंडिया तो दैट मेक्स मिलेट अ वेरी गुड चॉइस स्पेशली इन द करेंट एरा ऑफ क्लाइमेट चेंज ग्लोबल वार्मिंग मिलेट की अगर प्रोडक्शन की बात की जाए तो इंडिया लोन अकाउंट्स फॉर अबाउट 20 परसेंट ऑफ दिलेट प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड विच इज लार्जेस्ट नाइजेरियन चाइना फॉलो इंडिया एज प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट्स इन द वर्ल्ड भारत की अगर अंदर बात की जाए तो राजस्थान इज फॉलोड बाई यूपी अगर इस आर्टिकल की बात की जाए मौजूदा आर्टिकल की बात की जाए तो मिलेट इस पूरे साल के लिए इंपॉर्टेंट है इस आर्टिकल में क्या क्या बातें बताई गई हैं तो साल दो को यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट कंसिडरिंग इट्स हेल्थ बेनिफिट्स एंड देन यूनाइटेड नेशन है अभी तक क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए जा चुके हैं इंडिया लेवल पे मिलेट से रिलेटेड तो साल 2018 को भारत सरकार ने नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर किया था साल 2023 इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट है और मिलेट पे एमएसपी बढ़ाने का प्रॉमिस किया सरकार ने एस में इंडिया प्रपोज्ड संघाई ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल जो फोरम है वहां पर इंडिया प्रपोज टू ऑर्गेनाइज ए मिलेट फूड, फूड फेस्टिवल

फॉर इम्प्रूविंग न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी इन आसाम मिलट से रिलेटेड अवेयरनेस क्रिएट किया जाए ताकि इसकी डिमांड बढ़े उसके अलग अलग वराइटीज़ को प्रमोट किया जाए आजकल आप देखते होंगे अलग अलग जो फूड मार्टस वगैरह हैं वहाँ पर मिलट के अच्छे अलग अलग टाइप के प्रोसेस्ड फूड्स मिलते हैं तो वो आप मान सकते हैं कि आसाम मिलट मिशन का पॉजिटिव आउटकम होगा इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ मिलेट इंक्लूजन ऑफ मिलट इन स्टेट गवर्नेस डिस्ट्रीब्यूशन फूड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम

कि उस टाइम के डिफेंस मिनिस्टर जी ने फैसला किया कि सात दिसंबर यानी कि आज के दिन को हम लोग फ्लैग डे की तरह ऑब्जर्व करेंगे इस फ्लैग सिविलियन पॉपुलेशन को सिविलियन पॉपुलेशन को द फ्लैग बिलोंगिंग टू आर्म्ड पर्सनल इसमें कैसा है सिविलियन पॉपुलेशन इस फ्लैग के बदले कुछ मॉनेटरी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं